सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक तो आज के लेक्चर हम लोग करने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैटिक जीके का ये हम लोग का लेक्चर नंबर आई थिंक फोर्थ रहने वाला बिकॉज हम लोगों ने क्लासिकल डांस किया है देन फोक डांस किया है देन उसके बाद क्या क्या, क्या क्लासिकल डांस फोक डांस और हमारा पिछला लेक्चर क्या था hmm? सर गुड हाँ भाई गुड इवनिंग सभी को एक सेकंड हाँ जी गुड इवनिंग ध्रुव अवधेश जगजीवन ठाकुर यशिका जी क्या हाल चाल बढ़िया चलो तो स्टार्ट करें फिर हाँ फेस्टिवल ठीक है तो क्लासिकल डांस फोक डांस और जो फेस्टिवल्स हम देख चुके हैं और अब इस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग देखने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे पहले हम टाइप समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते गए या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आ, जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनको हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं है ना हाँ जी ठीक है प्रॉपर है तो फिर स्टार्ट करते हैं तो जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने नाम सुने गए तबला हो गया फ्लूट हो गया सहनाई हो गई घटम हो गया वीना हो गया रुद्रवीणा हो गया सारंगी हो गई संतूर हो गई ये सारे जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वो चार कैटेगरी कौन कौन सी हैं पहले तो ये हमारे वाद्य यंत्र तंतु वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र तो आप समझते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तंतु को हम तट यंत्र तंतु को तट भी बोलते हैं तंतु को तट भी बोलते हैं तो वाद्य यंत्र या फिर तट यंत्र तो ये वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें स्ट्रिंग्स देखने को मिलती हैं दैट इज दीज आर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स इनमें स्ट्रिंग्स देखने को मिलती हैं जैसे कि अभी जब हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे डिफरेंट उसके एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में फॉल होता है ये आप ही बताएंगे सबसे पहले कि ये किस कैटेगरी में फॉल होता है ठीक है तो आप ध्यान से समझ लीजिए जिसमें आपको स्ट्रिंग्स देखने को मिलेंगी ठीक है स्ट्रिंग्स तो आप समझते हैं इस तरह से स्ट्रिंग्स लंबी लंबी ठीक है स्ट्रिंग्स जिनको कि हम प्लग करते हैं उसके बाद देखो ये हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है देन साउंड प्रोड्यूस होता है तो लगे हाथ ये बता दो कि जो साउंड की स्पीड होती है साउंड किस टाइप की वेव होती है और साउंड की स्पीड साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है तो साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब स्ट्राइक करते हैं और उसमें वाइब्रेशंस होती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स को जब हम ह्लग करते हैं तो वो जब वाइब्रेट होती हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है एंड साउंड की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है यानी अनुधर्द तरंगे और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है देन लिक्विड देन गैस है ना वो क्वेश्चन भी बनता है कि चार ऑप्शन देखें तो स्टील में सबसे ज़्यादा होती है बट पता होना चाहिए एस ने एक बार घुमा दिया था स्टील से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है 25 डिग्री सेल्सियस तो चलिए अगला देखते हैं वाद्य वाद्य यंत्र यंत्र ठीक है ये वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि कोई स्ट्रिंग नहीं होती उसमें हमें हवा मार के उसको बजाना होता है हवा मार के जो बजाना होता है दैट इज दीज आर हम बोल सकते हैं कि इसमें एयर का रोल होता है ठीक है इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं एयरोफोन बोलते हैं मैं दूसरे कलर्स यहाँ पर लिख देता हूँ इनको हम एयरो के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब जैसे इनको इनमें स्ट्रिंग्स होती हैं स्ट्रिंग्स को हम कॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं तो इसीलिए इसको इनको हम कॉर्डोफोन के नाम से भी जानते हैं अब यंत्र तो हम बोल रहे हैं हिंदी में इंग्लिश में इनको कॉर्डोफोन्स बोलते हैं इनको हम हिंदी में बोल रहे हैं यंत्र बट इंग्लिश में इनको एयरोन बोलते हैं बट हिंदी वाला यूजली आपसे पूछता है तीसरा है आपका अवनिध वाद्य यंत्र अवनिध वाद्य यंत्र अब अवनिध की अगर बात करें तो अवनिध का मतलब होता है सॉलिड सॉलिड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सॉरी सॉलिड तो आपका घन होता है अवनिध जो होता है आपका इसमें क्या होता है एक मेम्ब्रेन होती है ठीक है तो इसीलिए इसको मेम्ब्रेनो के नाम से जानते हैं मेमब्रेनो अब किस तरह की मेम्ब्रेन वो जरा समझ लो तो आप में से सभी लोगों ने आई थिंक देखा होगा ढोलक ढोलक देखी सबने ये गाँव में बजती है ढोलक ठीक है जब कोई मतलब शादी वादी होती है तो ढोलक बजती है आपने देखा होगा तो ये जो होता है ये जो चीज़ जो जिसमें कि हिट करके इसको बजाया जाता है अब जैसे कि तंतुवाद्य यंत्र में तो स्ट्रिंग्स का यूज़ किया जाता है उसको बजाने के लिए सुशीरवाद्य यंत्र में एयर का यूज़ किया जाता है वहीं अगर हम बात करें जो हमारे अवनिध वाद्य यंत्र होते हैं अवनिध में क्या होता है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ये आपके जैसे एनिमल की जो स्किन होती है आपने आपको पता होगा एनिमल्स की खासकर जो बकरा होता है उससे बनाया उसकी स्किन से बनाया जाता है उसको स्ट्रेच करके यहाँ पे इस तरह से और ये हॉलो होता है इनसाइड मतलब अंदर हॉलो होता है तो इसको जब हम यहाँ पर हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है इसीलिए ध्यान रखिएगा ये जो आपके अवनिद्ध वाद्य यंत्र होते हैं ये आपके पर्क पर्केशन इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं अब ये पर्केशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं अभी हम इस पर भी आते हैं ठीक है लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अवनिध वाद्य यंत्र में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है देर इज़ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है इसीलिए इसको मेमब्रेनों फ़ोन के नाम से भी जानते हैं यूजली वो जो स्ट्रेच्ड मेमब्रेन होती है वो किसी न किसी एनिमल स्किन की बनी होती है ठीक uh, है एंड चौथा टाइप ऑफ हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ घन वाद्य यंत्र ठीक है, घन वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्र में क्या है घन वाद्य यंत्र में कोई भी इस तरह की चीज नहीं है यहां पे स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही थी यहाँ पे मेमब्रेन वाइब्रेट कर रही थी मेमब्रेन हिट कर रहे थे तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे स्ट्रिंग्स को प्लग कर रहे थे तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे हवा मार रहे थे तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे इसी उसी इंस्ट्रूमेंट को पीटा जाता है तब आवाज़ निकल या तो पीटा जाता है या फिर उसी से ही आवाज़ निकलती है यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं होती है कोई हॉलो आपको स्पेस नहीं मिलेगा कि वहाँ पर हवा डालो तो आपको जिस तरह से आपको सहनाई में देखने को मिलती है फ्लूट में देखने को मिलती है कि आप हवा हवा से क्या कर, करते हुँ? उस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं क्योंकि उसमें एक हमें स्पेस मिलता है यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊँ जैसे कि आपने घटम सुना है अभी आप देखेंगे सारी चीज़ें तो या तो आपने वो सुना होगा क्या बोलते हैं उसको चिमटा चिमटा जानता है कोई वो चिमटा नहीं जिसे खाना बनाते हैं मतलब नाम वही है लेकिन उसी तरह का उसी शेप का होता है उसी शेप का इस तरह से चिम, चिमटा टाइप होता है फिर मंजीरा आपने देखा होगा मंजीरा टाइप नहीं होते शादियों में इस तरह से मंजीरे टाइप होते हैं तो इसमें से हम क्या करते हैं या फिर मंजीरा तो उसमें क्या होता है कि चलो ठीक है वो अंदर गोली टाइप पड़ी रहती है थिंक उससे वाइब्रेट करता है लेकिन मंजीरा में क्या होता है मंजीरा में उस मतलब कोई इस तरह से स्ट्रिंग्स नहीं कोई मेम्ब्रेन नहीं कोई इस तरह से हम एयर को यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसे वाद्य यंत्र जो सॉलिड होते हैं ठीक है सॉलिड होते हैं इनको हम बोलते हैं घन वाद्य यंत्र घन को आप सॉलिड से रिलेट कर सकते हैं और इनको अगर हम बात करें तो अभी एग्जाम्पल्स तो मुझे आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे दैट इज़ दीज आर इनको हम बोलते हैं ईडियो फोन वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कोई इस तरह के स्ट्रिंग्स और वा नहीं होती उन्हीं को ही मारने पर या फिर उन्हीं वही खुद बजते हैं वो बस ठीक है यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है पहले बता दीजिए देन हम आते हैं कि वाटर पोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स चलो कोई डाउट नहीं ओके okay, ठीक तो आगे बढ़ते हैं अभी तो पर्केशन इंस्ट्रूमेंट पे आर पर्केशन इंस्ट्रूमेंट तो ये उस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम हिट करते हैं या उसको शेक करते हैं ठीक है या फिर उसको स्क्रैप करते हैं इस तरह से कुछ भी करते हैं जैसे अभी जो सारी चीज़ें आपने इसमें देखी ईडियो फोन में दैट इज घन वाद्य यंत्र में देखी वो उस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको पर्केशन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल तबला ले लीजिए ढोलक ले लीजिए इसमें हम क्या कर रहे हैं हिट कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको मंजीरा बत बताया चिमटा बताया इनको शेक कर रहे हैं उनको बोलते हैं पोकेशन इंस्ट्रूमेंट यानी कि अगर हम बात करें जैसे हमारा अभी हम पढ़ेंगे सितार हो गया या फिर हमारा सहनाई हो गई या फिर बांसुरी हो गई तो ये आपके पर्केशन इंस्ट्रूमेंट नहीं हो गए क्योंकि इनको हम हिट या फिर इस तरह से मार नहीं रहे हैं यानी कि एक तरह से जिसको मारने पर साउंड प्रोड्यूस हो जैसे कि आपका ड्रम हो गया तबला हो गया ये सारे क्या हैं आपके पोकेशन इंस्ट्रूमेंट के तहत आते हैं ठीक है मेनली ड्रम हो गया आपका तबला हो गया ठीक है जो जो मैं आपको मैं मंजीरा बता रहा था जिनको बेल्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में तो ये सारे जो होते हैं आपके पोकेशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं अब हम एक एक करके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और उसके एक्सपोनेंट देखेंगे और किसी एक्सपोनेंट में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो उसको देखेंगे अभी सितार की अगर बात करें तो सबसे पहले ये बताइए सितार किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा यहां पे आपको स्ट्रिंग्स देखने को मिल रही होंगी यहां पे आपको स्ट्रिंग्स दिख रही होंगी इस तरह से है ना तो ये किस तरह का वाद्य यंत्र हुआ तंतु वाद्यंत्र या फिर वाद्य तटुवाद्यंत्र सर हिंदी में हिंदी में क्या यहां पे मैंने हिंदी में नहीं बताया भाई मतलब बताया तो सुषी वाद्य यंत्र हिंदी में ही तो बोलते हैं अवनिध हिंदी में बोलते हैं घन हिंदी में बोलते हैं तंतु आपका हिंदी में बोलते हैं ठीक है चलिए तो अगर हम बात करें सितार की तो सितार के सबसे फेमस एक्सपोनेंट हमारे कौन है सबसे फेमस एक्सपोनेंट है पहचानिए जरा इनको ये कौन है उस्ताद रविशंकर जी ठीक है सबसे फेमस एक्सपोनेंट तो हमारे उस्ताद या फिर उस्ताद नहीं ये इनके लिए पंडित वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है पंडित रविशंकर अब ये जो पंडित रविशंकर जी हैं इनके हाथ में आप सितार देख सकते हैं पंडित रविशंकर सबसे फेमस एक्सपोनेंट हैं इसके ध्यान रखिएगा ही इज़ द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट इंडियन जिनको कि ग्रामी मिला फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रामी मिला 1968 में ही रिसीव द ग्रामी इनको भारत रत्न भी मिल चुका जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न भी मिल चुका इन द ईयर 1999 एंड ही वाज द सेकंड म्यूजिशियन टू रिसीव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर विच म्यूजिशियन उनका नाम बता चुका हूँ जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट दी भारत रत्न बताइए और हिंट देता हूँ आपको हिंट दूँ किस तरह से मैं आपको हिंट दूँ आ... अस्थाना विद्वान अस्थाना विद्वान किसको जानते हैं हम लोग एम एस सुबुलक्ष्मी एम एस सुबुलक्ष्मी जिनको कि हम क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के नाम से जानते हैं तो एम एस सुबुलक्ष्मी मैंने आपको बताया था शी इज ऑल्सो दी फर्स्ट शी इज़ ऑल्सो दी फर्स्ट फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट दी फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू गेट दी डायमंड मैक्सी अवार्ड पहली म्यूजिशियन टू गेट दी भारत रत्न अवार्ड और इनको अस्थाना uh, विद्वान के नाम से जानते हैं अस्थाना नर्तकी के नाम से किसको जानते हैं जरा बताइए पंडित रविशंकर के भाई थे ध्यान रखना ठीक है इसको अलग से पढ़ेंगे नहीं इसलिए मैं यहाँ पर बतायाता हूँ उस uh, क्या नाम था उनका uh, रविशंकर थे उनका नाम था उदय शंकर ठीक है उदय शंकर नाम था उनका और ये जाने जाते हैं फ्यूजन डांस के लिए इन्होंने इनका एक्चुअल में जितना भी मेजर इनका लाइफ का जो समय व्यतीत किया इन्होंने फॉरेन में, इन्होंने वेस्ट वेस्ट में कर, तो इन्होंने किया तो इसलिए उन्होंने जो वेस्ट यानी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में खासकर तो जो वेस्टर्न जो इन्होंने डांस सीखा उसको इंडियन डांस से फ्यूज़न किया तो इसीलिए इनको फ्यूजन डांस के लिए जाना जाता है फिर फादर ऑफ़ फ्यूजन डांस करके इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता इन्हें के भाई थे अब ध्यान रखिएगा पंडित रविशंकर जी की ही बेटी हैं अनुष्का शंकर जी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ पंडित रविशंकर अनुष्का शंकर लेकिन ध्यान रखना ये नहीं कि शंकर आया तो सीधे आपने सितार मारा गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि दो हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर वो आपकी सितार से एसोसिएटेड नहीं है वो आपकी वॉयलिन से एसोसिएटेड हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ठीक है तो पंडित रवि रवीश... पंडित रविशंकर अनुष्का शंकर और एक चीज़ और चीज़ में आप यहाँ पे आपको बतानी है कि इनको पहला ग्रामी तो मिला था और किसके लिए मिला था और इनको सबसे ज़्यादा बार ग्रामी मिला है पाँच बार इनको ग्रामी मिला है पंडित रविशंकर जी को दो और इंडियन है जिनको पाँच बार ग्रामी मिला है ज़ुबिन मेहता को और एक अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारे तबला के एक्सपोनेंट हैं जकिर हुसैन को इसी साल मिला है उनको जो भी लेटेस्ट वाला जो ग्रामी था वो मिला है अभी हम पढ़ेंगे जब उनके बारे में किस लिए इनको ग्रामी मिला लेकिन इनको मिला था जिनको पहला है जो इनका ग्रामी था इनकी जो एल्बम थी दैट वॉज वेस्ट मीट्स ईस्ट वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको ग्रामी मिला था और इनकी बायो ऑटोबायोग्राफी ये भी है उसका नाम भी आपको बताना चाहिए माई म्यूज़िक माई लाइफ माई म्यूज़िक माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तो ये सारी चीज़ें इनके संबंध में आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब यहां पे आपको याद होना चाहिए एक उस्ताद विलायत खान करके हमारे ठीक है उस्ताद विलायत खान, उस्ताद इमरात खान विलायत खान और इमरात खान ठीक है तो रविशंकर अनुष्का शंकर विलायत खान इमरात खान शाहिद परवेज शाहिद परवेज बुद्धादित्य मुखर्जी बुद्धादित्य मुखर्जी ठीक है और निखिल बनर्जी ठीक है निखिल बनर्जी अब इसको आप किसी भी तरह से रिलेट करके याद करिए और एक दो और हैं आपके जैसे कि आपके इसमें यहाँ पे लिख देता तो हूँ मैं हरा शंकर भट्टाचार्य मुखर्जी बनर्जी और भट्टाचार्य सब मतलब तीनों वेस्ट बंगाल के सरनेम से तो थोड़ा इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको तो हरा शंकर भट्टाचार्य ठीक है हरा शंकर भट्टाचार्य और अरविंद पारिक ठीक है अरविंद पारिक ठीक है तो ये नाम याद रखिएगा ये सब सितार के एक्सपोनेंट है तो ऐसे देखो पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए बाकी इसमें इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई विलायत गए कौन कौन गए विलायत तो इस तरह से आप कर याद कर सकते हो कि शाही जो हमारे शाहिद भाई हैं वो विलायत गए और विलायत से इमरती लेके आए इमरती नहीं होता है वो जलेबी की तरह होता है कुछ कुछ तो इमरती लेके आए किसके लिए लेके आए मुखर्जी और बैनर्जी के लिए मुखर्जी और बनर्जी के लिए इमरती लेके आए और बाकी इसमें भी कुछ चाहे तो फिट कर सकते हैं ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हरा शंकर भट्टाचार्य और अरविंद पार्क यहाँ पे मैंने वो वो लिए हैं क्योंकि और भी बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएंगे जो एस के एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं देखो पूछने को तो फिर वो कुछ भी पूछ लेगा वो फिर कोई को, कोई आंसर नहीं कर पाएगा मेन ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तो उस वे फोकस करने की जरूरत है जो बार बार रिपीटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो पंडित रविशंकर और उनके रिगार्डिंग जो बाकी डिटेल्स हैं उनकी डॉटर अनुष्का शंकर विलायत खान इमरत खान ये खूब इंपॉर्टेंट है विलायत और इमरात खान ठीक है उसके बाद शाहिद परवेज बुद्धादित्य मुखर्जी निखिल बनर्जी एंड ये थोड़े से हरा शंकर भट्टाचार्य और अरविंद अरिंद भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक है अभी आते हैं तबला पे अब तबला एक तरह का हमारा प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा बिकॉज इसको हम हिट करते हैं इसलिए और वैसे किस में जाएगा बिकॉज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है तो किस मेंब्रेनो फोन में जाएगा यानी कि अवनिधवाद यंत्र में जाएगा आपका तबला थीक? अब तबला के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स देखते हैं तो सबसे पहले तो उस्ताद अल्लाह रखा उस्ताद अल्लाह रखा अब उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे ही हैं कौन जाकिर हुसैन अब जाकिर हुसैन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसी साल अभी जैसे मैंने आपको बताया ग्रामी मिला सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रामी रिसीव करने वाले बन गए क्योंकि इनको पहले दो ग्रामी मिल चुके थे और इस बार इनको तीन ग्रामी मिले जाकिर हुसैन जी को और इनको पद्म विभूषण भी मिला तो ये हमारे जाकिर हुसैन जी बताइए इनमें से कौन है जाकिर हुसैन कौन है हाँ तो जाकिर हुसैन है हमारे वाइट जो आपको इसमें आपको दिख रहे हैं ठीक है तो ये जाकिर हुसैन जी है तो जाकिर हुसैन जी की अगर बात करें तो यहीं पे हम सारी चीज़ें इनको इनके संबंध में लिख लेते हैं कि पहली बात तो ये कि पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं घराना क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि घराना एक तरह की फैमिली होती है कि भाई जैसे मैं मैं तबला बजाता हूँ आप तबला बजाते हो, हो सकता है कि आप आराम आराम से उठाते हो और एकदम से धीरे 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 इतनी भयंकर स्पीड पहुँचा देते हो लास्ट में बहुत ज़्यादा लेकिन उठाते हो बड़ा धीमे ठीक है कुछ लोग होते हैं कि एकदम बजाना ही तेज़ी से चालू करते हैं कुछ लोग होते हैं बजाते धीमे धीमे ही उनका पूरा ट्यून चलता रहता है तो ये डिफरेंट घराने की खासियतें होती हैं ठीक है तो ये पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं हमारे जाकिर हुसैन जी जाकिर हुसैन जी को इंडिया का हाई सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण मिला ठीक है पद्म पद्म विभूषण मिला इन द ईयर 2023. ये चीज ध्यान रखनी है एंड और क्या ध्यान रखना है आपको हां ग्रैमी, ठीक है अब ग्रैमी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रैमी मिला अगेन पाँच तीन लोग हैं अभी पढ़ा रविशंकर जी जुबिन मेहता और इनको भी जाकिर हुसैन जी को तो ये करंट में भी खूब बहुत चांसेस है कि आपको करंट में रिलेट करके पूछ लेगा तो इनको इस बार तीन ग्रामी मिले इस वाले में ठीक है और एक तो पहले तो म्यूज़िक एल्बम है इनकी दिस मोमेंट जिसके जिसमें ये आप देख पा रहे हैं ये कौन है हमारे ये हमारे शंकर महादेवन जी तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दिस मोमेंट करके इनकी एल्बम है तो उसके लिए मिला था दिस मोमेंट एल्बम इन लोगों ने बनाई थी इनका जो इनका ये जो पूरा ग्रुप है इसको शक्ति बैंड के नाम से जानते हैं तो ये इनका बेस्ट म्यूज़िक एल्बम है दिस मोमेंट को मिला यहाँ पे देन म्यूज़िक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस में पश्तो के लिए एंड एज वी स्पीक के लिए एज वी स्पीक के लिए इनको मिला ग्रैमी तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो पाँच ग्रैमी इनको भी मिल चुके हैं जो कि उस्ताद अल्लाह राखा जी के हमारे बेटे हैं जाकिर हुसैन जी ठीक बाकी भी हम देख लेते हैं और कुछ एक्सपोनेंट इनसे रिलेटेड जैसे कि घोष आपको दिख जाए सरनेम में तो तबला ही होगा जैसे कि बिक्रम घोष और निखिल घोष ठीक है बिक्रम घोष और निखिल घोष और आपके और कौन हो जाएंगे ये तो हो गए ठीक है अनोखे लाल जी हो जाएंगे हमारे ठीक है अनोखे लाल मिश्रा ठीक है अब जैसे मैंने इसको कैसे याद कर रखा है मैंने इसको याद कर रखा है कि भाई है। चलो पहले लिख देता हूँ पंडित स्वपन चौधरी अब इसको मैंने ऐसे याद रखा रख रखा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जाकिर जी को अल्लाह दिखे सपने में अनोखे मतलब जाकिर जी को हमारा अनोखा सपना है जिसमें कि अल्लाह जी दिखे इनको ठीक है और अल्लाह दिखे उसमें उन्होंने मतलब घोष घोष तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि अगर सर नेम है घोष देन आंसर तबला होगा ठीक है और उसको फिर इस तरह से याद कर सकते हैं कि जाकिर जी को अनोखे अल्लाह दिखे सपने में सोपन ठीक है सपने से सोपन चौधरी अनोखे से अनोखे लाल मिश्रा और जाकिर से जाकिर हुसैन और अल्लाह से अल्लाह अल्ला रखा हो जाएगा आपका ठीक है अब हमारे एक और एक्सपोनेंट है और एक उनका नाम है आनंद लाल या आनंद गोप सॉरी आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ठीक है ठीके? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अनोखा अनोखे अनोखा सपना दिखा जिसमें उनको अल्लाह गोपाल के रूप में दिखे तो मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हैं तो आनंद गोपाल बन्धोपाध्याय अब ये जो आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अगर ड्रम भी पूछ लेगा तो उसमें भी तबला में भी और ड्रम में भी ठीक है तो ये हैं हमारे और इसके एक्सपोनेंट खत्म होते हैं किसके तबला के अभी आते हैं फ्लूट पे तो फ्लूट जरा बताइए किस तरह का वाद्य यंत्र होगा और जरा इसमें बताइए गिन के चलो पहले वो बाद में देखेंगे पहले वो तो अभी आपका टेस्ट होता रहेगा साथ साथ कुछ यहाँ पे बहुत बारीक चीज़ नोट करिएगा ठीक है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें कुछ अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपका टेस्टिंग हो जाएगा कि कितना फोकस के साथ लेक्चर को देख रहे थे तो फ्लूट हमारा होगा सुशीरवाद्यंत्र वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र का मतलब होता है जहाँ पे हम एयर को डालते हैं और उसको साउंड प्रोड्यूस करते हैं ठीक है <laughs> अच्छा किस किस ने वो एक पहले कुछ होता था ना यार पेड़ वेड़ से नहीं एक पत्ता वत्ता लेते थे मतलब मुझे तो बजाना नहीं आता था लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे गाँव में जैसे हम लोग जाते थे तो वहाँ पर मतलब पता नहीं पत्ते वत्ते से कुछ वो बना देते थे आवाज़ निकाला करते थे अजीब अजीब सी ठीक <laughs> है तो फ्लूट की अगर बात करें तो ये वाद्य यंत्र हो जाएगा और इसमें सबसे हमारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं गेस करिए कौन हरी प्रसाद चौरसिया जी हरी प्रसाद चौरसिया ये जो हरी प्रसाद चौरसिया जी हैं यूपी के पीलीभीत के आसपास से बिलोंग करते थे और अभी रिसेंटली रिसेंटली ही रिसेंटली ही अभी आई uh, थिंक uh, दो अप्रैल का न्यूज़ है ये आई एम नॉट रॉन्ग कि ये जो फ्लूट है पीलीभीत का जो फ्लूट है इसको जीआई टैग मिला है ध्यान रखना जो पीलीभीत का जो फ्लूट है इसको अभी जीआई टैग मिला है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि सितार सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं पंडित रविशंकर जी हमारे तबला सुनते ही सबसे पहले अल्लाह राखा या फिर जाकिर हुसैन जी आते हैं वैसे ही फ्लूट सुनते ही हरिप्रसाद चौरसिया जी पता है आपको इनकी आ, माता का देहांत हो गया था आई थिंक ये जब बहुत छोटे थे छः सात साल के थे आई थिंक तो इनके फादर इनको एक रेसलर बन मतलब चाहते थे कि ये रेसलर बने अखाड़े में कुश्ती के लिए भेजते थे लेकिन वहाँ पर इनका मन लगता नहीं था देखिए कुश्ती के लिए भेजते थे और फ्लूट बजाने लगे तो अभी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हरी जी ही जो हमारे हरी होते हैं जो भगवान होते हैं वही तो फ्लूट बजाते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा ठीक है तो फ्लूट की अगर बात करें तो हरी प्रसाद चौरसिया जी हो जाएंगे अरे यार, यार ये मच्छर एक ना बड़ा परेशान कर रहा है अभी मतलब मैं सोच तो नहीं रहा हूँ कि अपने पढ़ाने के जोन से बाहर निकलूँ मैं <laughs> एक बार अगर निकला ना तो इसका मतलब पट्ट से हेड लगेगा फिर ठीक है पन्ना घोष मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मैं विद्रोह करूँ किसी तरह का पन्ना लाल घोष जी हो गया हमारे ठीक है और इनको ध्यान रखना अमाल ज्योति घोष के नाम से भी जानते हैं ठीक है राजेंद्र कुलकर्णी जी हो गए राजेंद्र कुलकर्णी और और एक और थे आई थिंक उनका भी राज, राजेंद्र प्रसन्ना ठीक है राजेंद्र प्रसन्ना ठीक है और एक तो और हैं नहीं ठीक है तो हरी प्रसाद चौरसिया आप मत भूलिएगा इसमें हरी प्रसाद चौरसिया और हम्म देखो 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 एक चीज़ मतलब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे घोष हैं ठीक है यहाँ पे भी घोष हैं तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सारे घोष आपके से एसोसिएटेड नहीं है ठीक है तबला से तबला में आपके विक्रम घोष हैं निखिल घोष हैं लेकिन जो पन्ना लाल घोष हैं ऐसे याद कर सकते हो पन्ना लाल जी को कैसे कि जैसे पता है मतलब इतना तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे ज़्यादातर आपको जैसे पान शॉप्स होती हैं पान की दुकानें होती हैं पान शॉप जैसे बाकी जगह तो मुझे पता नहीं जैसे कानपुर में ज़्यादातर होता है तो चौरसिया पान शॉप ज़्यादा मुझे दिखती हैं है ना चौरसिया पान शॉप चौरसिया पान शॉप है ना तो वो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि चौरसिया से आप हरिप्रसाद चौरसिया याद है आपको कि हाँ वो फ्लूट से एसोसिएटेड है तो चौरसिया पान शॉप है ना तो पान से पन्ना लाल घोष हो जाएंगे पन्ना लाल घोष एक सेकेंड है ठीक है तो चौरासी और पाँच से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना मतलब राजेंद्र नाम में दिख जाएगा ठीक है राजेंद्र तो आपके फ्लूट से एसोसिएटेड होंगे ठीक है अभी आते हैं सहनाई पे सहनाई भी हमारा किस तरह का वाद्य यंत्र होगा सहनाई होगा हमारा सुशीर वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र चलो मैं दिखा देता हूँ ठीक है ऑब्जर्व करने को जो मैं बोल रहा था यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना एक दो तीन चार पाँच छः छः छे, छेद दिखेंगे आपको ठीक है छः होल्स दिखेंगे आपको और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात होल्स दिखेंगे आपको इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है इस पर भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसका भी ध्यान रखिएगा ठीक है तो सहनाई की अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट तो हमारे कौन है ज़रा बताइए सहनाई के हुँ? तो ये हमारे बिसमिल्ला खान जी ठीक है बसमिल्ला खान दिख तो रहा है ना आपको इसमें रेड में बिस्मिल्ला खान जी हैं आपके बिस्मिल्ला खान जी की अगर बात करें व्हाइट से लिख देता तो हूँ मैं ठीक है बिस्मिल्ला खान है ना बिस्मिल्ला खान जी की अगर बात करें तो ये जैसे कि है ना अभी फ्लूट सुनते ही किसका नाम याद आता है आपको हरिप्रसाद चौरसिया सितार सुनते ही पंडित रविशंकर वैसे ही सहनाई सुनते ही आपको बिस्मिल्ला खान याद आना चाहिए और बिस्मिल्ला खान मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो जब हमने पहला आज़ादी दिवस फर्स्ट हमने इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया था ठीक है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे उस सेलिब्रेशन में रेड फोर्ट में इन्होंने सहनाई बजाई थी सहनाई आपने सुना होगा कि भाई सहनाई किस पर्टिकुलर फंक्शन में बसती है तो जब आपका कोई सगाई होती है ठीक है या फिर मैरिज होती है यानी कि कोई अच्छा काम होता है कोई नेक काम होता है कोई मंग मतलब कोई मंगल काम होता है तो इसीलिए इसको मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं ठीक है ये इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है कि जो हमारी सहनाई है इसको हम मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं मंगल वाद्य क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो मंगल कार्य होते हैं उसके समय में बजाई जाती है इसलिए ठीक तो हमारे इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे बिस्मिल्ला खान जी हो जाएंगे बिसमिल्ला खान जी क्या बजाते हैं सहनाई और जब वो सहनाई बजाते हैं जब वो सहना और एक चीज ध्यान रखना इनको जितने भी हमारे टॉप फोर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं ही हैज रिसीव्ड ही हैज रिसीव्ड ऑल टॉप फोर हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जितने भी हमारे चार हाइस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं कौन कौन से भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री चारों इनको मिल चुके हैं एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनको कब मिला था भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलन अवार्ड है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इनको जो भारत रत्न मिला था वो इन द ईयर 2001 मिला था ठीक है 2001 सन 2001, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था 1998 में एम एस सुबलक्ष्मी नाइनटीन में, में पद्म इनको पंडित रविशंकर को और दो में बिस्मिल्ला खान जी को मिला था और कुछ बिस्मिल्ला खान एक चीज़ ध्यान रखना इन तेहरान जो ईरान की कैपिटल सिटी है वहाँ पे एक ऑडिटोरियम का नाम जो है हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी पे ही रखा गया है ठीक है तो बिस्मिल्ला खान जी होगा जब बिस्मिल्ला खान जी ने सहनाई बजाई तो जो है लोग जो है प्रसन्न के बल्ले बल्ले करने लगे तो प्रसन्न से आपके रघुनाथ प्रसन्ना ठीक है रघुनाथ प्रसन्ना प्रसन्न के लोग क्या करने लगे बल्ले बल्ले करने लगे एस बल्लेश और जब आदमी बल्ले बल्ले करता है तो अपनी कमर मटकाता है वो बागेश्वरी कमर ठीक है बागेश्वरी कमर ठीक है और 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 बस ऐसे याद कर सकते हो कि बिस्मिल्ला खान ने जब सहनाई बजाई तो बिमिल्ला खान के लिए आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं तो बिस्मिल्ला खान सबको पता है सहनाई ठीक है जब बिस्मिल्ला खान ने सहनाई बजाई तो भाई लोग प्रसन्न होकर बल्ले बल्ले करने लगे और अपनी कमर मटकाने लगे और कृष्ण जी का नाम लेने लगे तो इसको कृष्ण जी को आप अलग से भी चाहें तो याद कर सकते हैं तो कृष्ण चौधरी और अली अहमद ठीक है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने ऊपर के मैंने चार आपको याद जैसे या अभी जो याद करवाएं बेसमिल्ला खान रघुनाथ प्रसन्ना एस बल्लेश और बागेश्वरी कमर ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है ठीक है तो अली अहमद ये है हमारे सारे एक्सपोनेंट किसके सेना ही के ठीक है अब बढ़ते हैं आगे यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है किसी का कोई डाउट यहाँ तक सर कृष्णा चौधरी हाँ भाई लिख तो दिया कृष्णा चौधरी कृष्णा चौधरी लिख तो दिया अली अहमद हाँ जी सैनिटाइजर क्यों <laughs> दया शंकर हाँ दयाशंकर भी एसोसिएटेड है सर रस के कमर <laughs> नहीं जी ओके ऑल क्लियर ओके ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अभी अभी आते हैं सरोद पे तो सरोद की अगर बात करें तो इस तरह का वाद्य यंत्र है जरा बताइए कि ये किस तरह का वाद्य यंत्र होगा सिंपल है अब एकदम देख के पहचान सकते हैं सरोद तो स्ट्रिंग्स आपको दिख रही होंगी ये स्ट्रिंग्स इस तरह से दिख रहे होंगे तो अवयस बात है तटुवाद्य यंत्र या फिर वाद्य यंत्र होगा है ना तंतु या फिर यंत्र और एक चीज़ कि आ, मतलब कि ये वो मैं आपको एक्सपेरियंट बता रहा हूँ जो मतलब कि एकदम एवरग्रीन टाइप हैं रिसेंटली एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं अभी हम पी भी कर लेंगे अगर इन फ्यूचर जब भी आप जैसे मान लो कि आगे सीजल 2024 में बैठे या फिर इन फ्यूचर भी आप कभी भगवान न करे आपको बैठना पड़े 2025 में अगर आप 2025 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो मुझे पता दो की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अगर आप 2024 कर रहे हैं तो उम्मीद यही कि आप दो में सिलेक्शन हो जाए अगर मान लो या फिर आप इन फ्यूचर भी कोई एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ा सा अवगत रहिएगा कि और कोई तो नया नाम इंक्लूड नया नाम नहीं आ गया जैसे कि अब वो क्या है कि जाकिर हुसैन ज़्यादा पूछेगा रीज़न बींग ग्रामी वो वो आपका ये हरी प्रसाद चौरसिया ज़्यादा पूछेगा रीज़न बिंग वो जो हमारा पीली बेत का फ्लूट है लेकिन वो पहले से ही एवरग्रीन टाइप है फेमस है ठीक है लेकिन कभी कभी इस तरह का नाम निकल आता है किसी की डेथ हो गई ठीक है तो वो थोड़ा ज़्यादा सामने उभर के नाम निकल आता है तो ज़्यादा पूछे जाने लगता है वो नाम तो वो मैं आपको अवगत वैसे तो करवाता रहूँगा जो हमारी पीवाई की सीरीज़ होती है इसीलिए होती है एंड अगर आपको मतलब जब आप ये चीज़ को रिवाइज़ करें तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपडेटेड रहेंगे ठीक है ऑलराइट बाकी तो स्टैटिक कभी मैंने आपको कल बताया था एफ बैच हम लोगों का स्टार्ट होगा अगले मंडे से तो उसमें क्या है कि एफ में हम लोग का लास्ट में स्टार्टिक होगा जाके आई थिंक हाँ लास्ट में ही मैंने रखा है तब तक एस एस सी एटलीस्ट जेई का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा तो अगर कोई नया नाम निकल के आएगा तो मैं उसको वहाँ पे कवर करवा दूंगा वैसे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि एस एच कुछ निकल के आएगा ठीक है इन्हीं में से आपका पूछा जाना है ठीक है सरोद पे आ जाते हैं तो सरोद पे आपका पहला नाम है अलाउद्दीन खान अलाउद्दीन खान अमजद अली खान हमजद अली खान अभी आपने कोई खान सर नेम देखा था इससे पहले नहीं देखा था ना अभी आप बार बार देखोगे और जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अभी देखेंगे हम एस से स्टार्ट हो रहे हैं अगर सहनाई को छोड़ दें सहनाई में भी हमारे बिस्मिल्ला खान जी थे है ना वो भी एस से ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो ठीक है एक एक्सेप्शन एक मान सकते हैं हम ठीक है वैसे भी वो भी एस से ही स्टार्ट हो रहा है और वो भी खान है हमारे बिस्मिल्ला खान जी लेकिन अब जितने भी आप देखोगे सरोद हो गया ठीक है सरोद संतूर को छोड़ दीजिए सरोद के अलावा सारंगी सरोद और सारंगी में भर भर के आपको खान 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 देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट थोड़ा आसानी हो याद करने में ठीक है तो अलाउद्दीन खान अमजद अली खान अली अकबर खान ठीक है अली अकबर खान हाफिज अली खान हाफिज़ अली खान राजीव तारानाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है ध्यान रखिएगा राजीव तारानाथ ये अली अकबर खान के डिसाइपल ही हैं ठीक है ठीके? और बुद्ध बुद्धा देव बुद्धा देव दास गुप्ता ठीक है तो ये जितने भी हमारे एक्सपोनेंट हैं ये सरोद के एक्सपोनेंट है अलाउद्दीन खान अमजद अली खान अली अकबर खान हाफिज अली खान राजीव तारानाथ और बुद्धा देव दास गुप्ता ठीक है तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई सरोद में खान 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 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर खान है तो सीधा सरोद मारो बिस्मिल्ला खान भी तो हैं तो सहनाई के हैं और अभी हम आगे सारंगी पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको बहुत सारे खान देखने को मिलेंगे राम सॉरी सबरी खान बुंदू खान शाकूर खान वो उसमें देखने को मिलेंगे सारंगी में भी ठीक तो है तो खान ज्यादातर आपको या तो सरोद में या सारंगी में देखने को मिलेंगे राजीव तारानाथ और बुद्धा देव दास गुप्ता आपको याद रखना है संतूर पर आते हैं संतूर आपने देखा होगा वो वात आज करके एडवर्टाइज़ नहीं आता था अभी तो पता नहीं यार मुझे लेकिन वात आज करके एडवर्टाइज आता था उसमें दिखाया गया था वाताज में ही आपके जाकिर हुसैन को भी आपने देखा होगा पहचान नहीं पाए होंगे लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाइए तो ये आपको अपने वात आज का एक ऐड आता था उसमें तबला बजाते हुए दिखते थे और वात आज में ही एक संतूर के भी हम एक्सपोनेंट दिखते थे तो चलिए देखते हैं संतूर के कौन कौन से हमारे एक्सपोनेंट हैं तो ये हैं हमारे शिव कुमार शर्मा जी ठीक है शिव कुमार शर्मा इन्हीं के बेटे हैं राहुल शर्मा वो दिखते हैं है हमें उस एड में ठीक है तो शिव कुमार शर्मा हो गए इनके बेटे राहुल शर्मा चलो अभी वो हम लिख लेंगे अलग से तो शिव कुमार शर्मा जी हैं ये ठीक है और चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से शिव कुमार शर्मा शिव कुमार शर्मा और आपके राहुल शर्मा ठीक है और भजन सापोरी भजन सोपोरी ठीक है भजन सोपोरी एक्चुअली में इन दोनों लोग ये दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट राहुल शर्मा तो अभी लेटेस्ट टाइप आप बोल सकते हैं इनके बेटे हैं तो उससे एसोसिएट करके आप याद कर सकते हैं बट ये शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है संतूर के मतलब एवर ग्रीन टाइप एक्सपोनेंट हैं और रिसेंटली मतलब इतना भी रिसेंटली नहीं लेकिन टू में एक साथ ही दोनों की डेथ भी हुई थी इनकी आई थिंक इफ एम नॉट इनकी मई में हुई थी एक लोग की मई में हुई थी और एक लोग की जून में हुई थी डेथ तो इस वजह से भी और ये दोनों बहुत फेम मतलब इंपॉर्टेंट है फेमस है जो भी आपको कंसिडर करना है लेकिन ये रट लेना एकदम शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी शिव कुमार शर्मा याद है तो राहुल शर्मा भी आपको याद हो ही जाएगा ठीक है और उल्लास बापत ठीक है उल्लास बापत और शिव कुमार शर्मा ठीक है ये आपको मतलब इस तरह से उल्लास बापत याद कर सकते हो मतलब ठीक है बोलना तो नहीं चाहिए ले, लेकिन इस तरह से याद कर सकते हो कि भाई मतलब राहुल शर्मा जी को जब पता चला कि ठीक है शिव कुमार शर्मा जी की डेथ हो गई तो अब मुझे मतलब आ, जो उनका पूरा फेम है जो ग्लोरी है उनकी जो पूरा वो है वो मुझे मिल जाएगा तो इस उल्लास में वो जो है उनको काफ़ी उल्लास मिला ठीक मतलब दिल पे मत लेना इसको ठीक है ऑब्वियस बात है नहीं वो हुआ होगा लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है तो उल्लास बापत का नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारे संतूर के एक्सपोनेंट तो संतूर इस तरह का आपको ये भी किस तरह का है? स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज इसमें स्ट्रिंग्स देखने को मिलें दैट मीनस ये तंतु वाद्य यंत्र होगा अभी आते हैं सारंगी पे तो मैंने आपको क्या बताया था एक तो सरोद में और एक सारंगी में भर भर के आपको इस तरह के एक्सपोनेंट देखने को मिलेंगे जिनके नाम जो है खान 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 है आपके ठीक है जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें उस्ताद सबरी खान उस्ताद सबरी खान शाकूर खान ठीक है शाकुर खान हो गए आपके अब्दुल लतीफ़ खान हो गए अब्दुल लतीफ़ खान हो गए उस्ताद सबरी खान हुए ना सुल्तान खान नहीं हुए तो उस्ताद यहाँ पे सुल्तान खान कर लो ठीक है तो सबरी के बेर, मतलब सबरी नहीं आपने सुना होगा रामायण में स्टोरी तो सबरी के बेर ऐसे याद कर लो तो कुछ उससे रिलेट कर लो तो उस्ताद सुल्तान खान और बुंदू खान ठीक है बुंदू खान ठीक है तो ये सारे खान वाले एक्सपोनेंट हो गए आपके सारंगी में और पंडित राम नारायण ठीक है एक जो आपके खान नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित राम नारायण किससे हैं सारंगी से ये भी आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ठीक है तो सुल्तान खान सबरी खान शाकूर खान लतीफ़ खान बंदू खान और पंडित राम नारायण तो ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं आपको कि भाई आ, सबरी जो है सबरी के बेर खाए थे किसने राम जी ने खाए थे सबरी के बेर राम जी ने खाए थे ना और ऐसे याद कर लो एक बूंद बूंद करके खाए थे ठीक है और और किस तरह से बाकी तो यार खान वाले तो आप याद कर ही सकते हैं ऐसे करके ठीक है तो सबरी के बेर राम जी ने खाए थे तो सबरी खान और राम नारायण इस तरह से याद कर सकते हैं और बाकी जितने भी खान हैं जैसे सुल्तान खान सबरी खान बस आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से खान सरोद वाले हैं और कौन से खान आपके सरंगी वाले हैं अगर सरोद की बात करें अलाउद्दीन खान अमजद अली खान अली अकबर खान हाफिज़ अली खान ठीक है यानी कि उनके नाम में अली अली था अमजद अली ख़ान हाफिज़ अली खान ठीक है अलाउद्दीन खान इनका भी नाम अली से टाइप ही स्टार्ट हो रहा है अलाउद्दीन खान ठीक है और अली अकबर खान अमजद अली खान अली अकबर खान हाफिज़ अली खान अलाउद्दीन के लिए सब में अली अली टाइप लगा हुआ है यहाँ पे सबरी खान बुंदू ख़ान शाकूर खान ठीक है लतीफ़ खान क्या कहीं पे अली है नहीं है तो अगर आपको अली दिख रहा है तो सरोद अगर अली वाला खान है तो सरोद अली वाला खान नहीं है तो सारंगी और अगर बिस्मिल्ला खान है तो आपको पता है सहना ही इतनी चीज़ क्लियर आगे बढ़े अभी वीना पे आ जाते हैं अब वीना के तो पता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं हमारे गेस करो हमारे इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट हैं जो वीना के एक्सपोनेंट हैं तो अगर हम हिस्ट्री में जाए ना तो वहाँ पे भी हमें वीमा वीना के एक्सपोनेंट देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में मैंने आपको ज़रूर बताया होगा समुद्र गुप्त को कॉइंस में वीना बजाते हुए दर्शाया गया है औरंगजेब भी वीना बजाता था ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए औरंगजेब वाला लेकिन हाँ वो भी जो है वीना का ही एक तरह से हम बोल सकते हैं बजाता था वो कभी कभी ठीक है समुद्र और औरंगजेब बाकी हमारे इंडियन प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम जी ठीक है ए पी जे अब्दुल कलाम जी भी हमारे वीना के एक्सपोनेंट थे अब्दुल कलाम मतलब तो फिनल प्रेसिडेंट है ना और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी जितने भी हम ऑटोबायग्राफी हैं बुक्स हैं वो आई थिंक कल से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सारी बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफी हम कल से देखने वाले हैं ठीक है तो ये हो गया हमारे और कौन कौन से वीना के एक्सपेरेंट हो गए आपके जैसे कि बाल एस बालचंदर ठीक है एस बालचंदर ये एक्सपेरेंट हो जाएंगे बाकी तो उसमें वीना में नहीं है ठीक है समुद्र गुप्त याद रखना औरंगजेब याद रखना ए पी अब्दुल कलाम याद रखना और एस बालचंदर याद रखना और तो आई थिंक नहीं है हाँ रुद्रवीना में आप रुद्रवीना होगा अगला हाँ रुद्रवीना हमारा अगला ही है तो रुद्रवी के अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या अंतर है इसमें एक इस तरह का डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहां पे दो इस तरह के डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं रुद्रवीना तो रुद्रवीना की अगर हम बात करें तो इसके एक्सपोनेंट हैं जैसे कि असद अली खान ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे असद अली खान सादिक अली खान तो यहां पे भी आपको अली खान दिख रहे हैं ये एक चीज आपको नोट करनी है कि अली खान हमने और किस में देखे थे सरोद में तो सरोद के अलावा आपको रुद्रवीना में भी अली ख़ान देखने को मिलेंगे सादिकली खान असद अली खान और आपके एक हैं ज़िया मोहद्दीन ज़िया मोहुल्दीन डागर ठीक है तो ये तीन एक्सपोनेंट याद रखने हैं सिर्फ आपको रुद्रवीना में क्लियर इतनी चीज़ और अली अकबर खान इसमें मैंने बता दिया ना एक सेकेंड रुकना जरा सन सं, सन्तूर सरो और अली अकबर खान के रिगार्डिंग हाँ एक चीज़ याद रखना अली अकबर खान के रिगार्डिंग एंड दैट इज़ कि ये महर घराना से बिलोंग करते थे यहाँ तक कि जो अमजद अली खान थे वो भी महर घराना से ही बिलोंग करते थे महर घराना ध्यान रखना ठीक है कौन अली अकबर खान जितने ज़्यादातर हमारे सरोद के एक्सपोनेंट हैं वो आपको महर घराना एसोसिएटेड ही मिलेंगे ठीक अभी आ जाते हैं नाद स्वरम में नाद स्वरम ये किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जरा बताइए इसमें आपको स्टिंग्स दिख रही हैं क्या इसको पीट के बजाना पड़ेगा क्या बताइए जरा किस तरह का यंत्र होगा ये नाद स्वरम की अगर बात करें सिर्फ दो तीन आपको एक्सपेरियंट याद रखने हैं जैसे कि रत्न पिल्लई ठीक है रत्न पिल्लई नीरू स्वामी पिल्लई नीरू स्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना ठीक है शेख चिन्ना मौलाना ठीक है तो ये तीनों हम तीन एक्सपोनेंट याद करने हैं आपको नाथ स्वरम में और नाथ सौरम हमारा किस तरह का होगा सुशीर वाद्य यंत्र होगा अभी आते हैं घटम पे घटम आपको इस तरह से घड़े टाइप का शेप का दिखेगा और इसमें बाहर हमें टक-टक करके इसको मार के बजाना पड़ता है अब टक टक किस तरह से बजाना पड़ता है तो जरा बताइए किस तरह का यंत्र होगा ये किस तरह का वाद्य यंत्र होगा जहाँ पे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ही मार के बजाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ईडियोफोन ईडियोफोन मतलब घन वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र दैट इज़ सॉलिड जो म्यूजिकल हमारे इंस्ट्रूमेंट होता तो है और ये आपका परकेशन इंस्ट्रूमेंट भी होगा क्योंकि इसमें हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं इसको मार रहे हैं ठीक है तो वो हमारा परकेशन इंस्ट्रूमेंट भी होगा यहां पर अगर एक्सपोनेंट की बात करें तो टी एच विनायक्रम सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस एक्सपोनेंट है घटम सुनते ही आपको इनका नाम याद आना चाहिए इनको हम विकु, विनायकरम के नाम से भी जानते हैं। विकु विनायकरम। है ई एम सुब्रमण्यम ई एम सुब्रमण्यम ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है टी एच विनायक्रम और ई एम सुब्रमण्यम और और तो नहीं है ठीक है दो ही आपको याद करने है टी एच विनायक्रम और ई एम सुब्रमण्यम सिर्फ दो ही एक्सपोरेंट याद करने गटम में अभी आते हैं अपने आई थिंक ये लास्ट सेकेंड लास्ट होगा पखवराज ठीक है पखवराज आपको थोड़ा सा दिखेगा किस तरह ढोलक की शेप में दिखेगा ठीक है ढोलक की शेप में थोड़ा सा दिखता है पखवराज की अगर बात करें या फिर इसको पखवाज भी बोलते हैं ठीक है थीके? इसको हम पखवाज भी बोलते हैं और इसके अगर एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो सबसे जो फेमस एक्सपोनेंट है इसके तोता राम शर्मा जी हैं ठीक है ऐसे याद करो तोता के पंख होते हैं ना तो पखवाज में तोता के पंख होते हैं तो तोता राम शर्मा जो है हमारे पखवाज से एसोसिएटेड होंगे और इसमें अगर हम एक्सपेरमेंट की बात करें तो पंडित भवानी शंकर पंडित भ लेकिन तोता राम शर्मा आप नाम मत भूलिएगा बाकी सब चाहे भूल जाइए लेकिन ये नाम मत भूलिएगा तो राम शर्मा जी का ठीक है जब ओडीसी के एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको केलूचरण महापात्रा का नाम बताया होगा तो केलूचरण महापात्रा जी हमारे पखवाज भी बजाते थे केलुचरण महापात्रा इसीलिए अगर ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है पखवाज ये आपका ओडीसी से एसोसिएटेड भी आपको दिखेगा यू के शिवरमन ये भी इंपॉर्टेंट नाम है सॉरी ये तो आपका मृदंगम में होंगे ना हमारे तो ये यू के शिव इसमें नहीं होंगे मृदंगम में होंगे और तोताराम जी हो गए भवानी जी हो गए निखिल पाटिल ठीक है निखिल पाटिल उस्ताद रहमान खान उस्ताद रहमान खान ये हमारे एक्सपोनेंट हैं पखवाज है लेकिन आई अगेन रिपीट तोता राम शर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद हमारे केलूचंद महापात्रा जी अगले में आते हैं दैट इज मृदंगम मृदंगम के एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो इस ये भी आपका किस तरह का वाद्य यंत्र होगा इसमें क्योंकि मेम्ब्रेन से तो मेम्ब्रेनो फोन आए होगा यानी अवनिध वाद्य यंत्र होगा आपका ये ठीक है अवनिद दो वाद्य यंत्र होगा यानी कि मेम्बरेनो फोन होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जिसको बजाना पड़ता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू के हो जाएंगे यू के ये इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है आपके वी यू के के अलावा एक आपके वी के शिव भी हैं तो शिव अगर आपको सरनेम में दिख जाएगा तो सीधे आप मृदंगम मारेंगे वहाँ पर और रजना स्वामीनाथन ठीक है रजना स्वामीनाथन किसी का कोई डाउट तो नहीं आता कि आई थिंक डाउट तो होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर कुछ किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकता है जल्दी से नहीं तो हमारा आई थिंक एक और बचा है एंड दैट इज़ वॉयलिन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लियर <laughs> है क्लियर क्लियर ओके सर को इनको पद्म विभूषण नहीं मिला पहली बात तो ठीक है ये जो मैंने आपको बताया था यहां पे टी एच विनायक्रम या फिर विकव विनायक्रम इनको पद्म विभूषण नहीं मिला है पद्म भूषण मिला था ठीक है पद्म भूषण मिला था 2014 में पद्म भूषण इन द ईयर 2014 तो ध्यान रखिएगा इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी पखवाज भी अवनित होगा बिल्कुल क्योंकि यहां पे स्टेच मेमरे है बिल्कुल सर बी फाइनल ईयर में हूँ जून से आ, मतलब यार इस तरह के जून से एग्जाम स्टार्ट हैं सीजल दो हज़ार चौबीस दे सकता हूँ क्या जून से एक बार नोटिफिकेशन यार, थोड़ा जो पिछला वाला आया था ना उसको ढंग से पढ़ लेना कई बार इनके क्या है ना चीज़ें चेंज होती रहती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ें फिर अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो चलो तो ड्रम के भी देख लेते हैं ड्रम भी आपका किस तरह का होगा ड्रम आपका होगा परकेशन इंस्ट्रूमेंट है ना परकेशन इंस्ट्रूमेंट होगा बिकॉज इसको भी मार मार के बजाना पड़ रहा है और इसमें भी स्ट्रेच मेमरे है तो ये भी आपका वाद्य यंत्र के तहत आएगा अब ड्रम की अगर बात करें तो इसमें कुछ ही हैं जैसे कि शिवमणि जी हैं आपके मतलब इसके बहुत ही रेयर पूछता है एक्सपरेंट ड्रम की अगर मैं बात करूँ बहुत रेयर पूछता है इसके ठीक है शिवमणि जी और मैंने आपको बताया था वो आनंद गोपाल उनका नाम भी बताया था जो आपके तबला से एसोसिएटेड थे आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ठीक है बंदो ठी उपाध्याय ये नाम याद कर लीजिएगा और शिवमणि जी के अलावा एक और याद कर लो बस शुभांकर बनर्जी बस ठीक है शुभंकर अभी तक तो जो मैंने इक्का दुक्का क्वेश्चन देखे वो शिवमणि से एसोसिएट पूछे हैं ठीक है शुभांकर बनर्जी शुभांकर बनर्जी जी हो जाएंगे हमारे ठीक है चलिए तो अभी आते हैं अपने ख़त्म हो गए क्या वॉयलिन तो हुआ नहीं यार इसमें एक सेकेंड रुको वॉलिन कहाँ गया आई थिंक यार वॉयिन नहीं हुआ इसमें चलो कोई नहीं वॉयिन को मैं अलग से लिख के बताता हूँ आप इसका फ़ोटो सर्च कर लीजिएगा बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है गले में रख के मतलब इसको गले में रख के एकदम आपने देखा कि नहीं होगा एकदम वो टॉम एंड जेरी में अभी टॉम बजाया करता था टॉमी <laughs> के लिए उस है ना एक दिखाते नहीं तो टॉम और वो टॉमी होती थी कौन उसको इम्प्रेस करने के लिए तो वॉयिन ही तो बजाता था ठीक है तो वॉलिन की अगर बात करें तो इसके एक्सपोनेंट हो जाएंगे आपके जैसे नगाई मुरली ठीक है नगाई मुरली तो ये वो मुरली नहीं है है ना क्रिकेट वाले और क्रिकेट वाले जो मुरली हैं एक्चुअल में वो इंडिया से ही बिलोंग करते तो मैं लगेगा श्रीलंका से नहीं एक्चुअल में उनके रूट्स इंडिया से ही है उनके दा उनके फादर उनके ग्रैंड फादर, सब इंडिया से ही थे उनको वो एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स जो है उनको टी प्लांटेशन जो टी गार्डन्स हो जो श्रीलंका में होते थे वहाँ पे उनको लोग ले गए थे मजदूर के तौर पे इनके जो फादर और ग्रैंडफादर थे तो फिर ये वहीं पे बस गए थे इनके सिस्टर्स और सब लोग वापस आ गए थे इंडिया में लेकिन ये भाई साहब वहीं पर बस गए और श्रीलंकन टीम से खेलने लगे न कहीं मुरलीधरन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुथैया मुरलीधरन की बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये आपके साउथ इंडिया के ही कास्ट है मुरलीधरन धरन लाल गोपाल अय्यर लाल गोपाल अय्यर और और कौन हो जाएंगे आपके टी एन कृष्णन ठीक है टी एन कृष्णा मोहन चंद्रशेखर मोहन चंद्रशेखर क्या दिक्कत है क्या किसी का ठीक है मोहन चंद्रशेखर एंड एक है हमारे आई थिंक डीवी उनका पूरा नाम है द्वारका वेंकटेश स्वामी द्वारका वेंकटेश स्वामी नायडू ठीक है तो जितने भी अगर आप ध्यान से देखें वॉलियन के एक्सपेरियंट आपको साउथ इंडिया के देखने को मिलेंगे मुरलीधरन साउथ इंडिया अय्यर साउथ इंडिया कृष्णा चंद्रशेखरन नायडू सब साउथ इंडिया के हमें देखने को मिल रहे हैं अगर आपसे सारे याद नहीं हो रहे हैं तो नगाई मुरलीधरन लाल गुड़ी गोपाल अय्यर और टी एन कृष्णा इसको कायदे से थोड़ा याद कर लीजिएगा एंड एक और है सुर बहार करके होता है हमारा ठीक है सुर बहार इसके भी देख लीजिए सुर बहार के भी तो सुर बहार की है हमारी अन्नपूर्णा देवी जी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी अन्नपूर्णा देवी ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं इसकी अन्नपूर्णा देवी और वहीद खान यहाँ पे भी आपको ये भी आप देखिए ध्यान से ऐसे स्टार्ट हो रहा सुर बहार इसमें आपको खान खान देखने को मिल जाएंगे तो वहीद खान इमदाद खान इमदाद खान और इमरात खान ठीक है इमरात खान तो ये हमारे सुर बहार के एक्सपोनेंट हैं चलिए तो अभी करते हैं जल्दी से क्वेश्चन अटैम्प्ट तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और डेवलप होगी क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा और वो मल्टीपल रिविजन के बाद ही वो क्लियर होगा तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन हरी प्रसाद चौरसिया इज अ नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हरी जी हरी क्या बजाते हैं हमारे हरी भगवान क्या बजाते हैं फ्लूट बजाते हैं है, है ना हरी प्रसाद चौरसिया से याद आना चाहिए आपको पीली के फ्लूट जिसको अभी जीआई टैग मिला है है ना और फ्लूट के और बाकी कौन कौन से एक्सपोनेंट है जल्दी से रिकॉल करिए आप फ्लूट में हमने पढ़ा था कि भाई जब आ, आ, हरी जी हरी जी मतलब चौरसिया पान की दुकान लगाते हैं ना तो मतलब इस तरह से रिलेट करना था पन्ना लाल घोष हमने याद किया था और राजेंद्र प्रसन्ना याद किया था पन्ना लाल घोष और आ, राजेंद्र राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी ये नाम पढ़े थे हम लोगों ने ठीक है वीना से समुद्रगुप्त याद आना चाहिए औरंगजेब याद आने चाहिए याद आना चाहिए समुद्रगुप्त याद आना चाहिए औरंगजेब याद आना चाहिए और हमारे वेरी इंपॉर्टेंट ए पी जे अब्दुल कलाम जी आदा देने चाहिए ठीक है सरोद की जब हम बात करते हैं सरोद से आपको क्या याद आएगा जितने भी अली वाले खान हैं अमजद अली खान अली अकबर खान हाफिज़ अली खान अलाउद्दीन खान राजीव तारानाथ राजीव तारानाथ भी इंपॉर्टेंट एक्सपर्न सितार से तो सबसे पहला नाम ही आता है पंडित रविशंकर उनकी बेटी अनुष्का शंकर उनके भाई फ्यूजन डांस एसोसिएटेड है जिनका नाम है उदय शंकर ठीक है पहला ग्रामीण मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक माई म्यूजिक माई लाइफ ठीक है प्रभात शर्मा अ रेसिपियंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इज एसोसिएट वॉज अ डैश प्लेयर फ्रॉम असम यानी कि जो प्रभात शर्मा है वो किस पर्टिकुलर उसके एक्सपोनेंट हैं तो तबला सारंगी गटम या फिर फ्लूट तो ध्यान रखना ये हमारे फ्लूट से एसोसिएटेड है जिससे कि हमने देखा था हरिप्रसाद चौरसिया जी आई थिंक इसमें मैंने ऐड नहीं करवाया था तो आप इसको ऐड कर सकते हो प्रभात शर्मा जी को भी ठीक है इसीलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रभात शर्मा जी को भी आप ऐड करेंगे फ्लूट में ठीक है फ्लूट घटम में हमें एक नाम याद आना चाहिए दैट इज टी एच विनायक्रम विक्कू विनायक्रम जी का नाम आप भूल नहीं सकते हैं किसमें जब बात आती है घटम की जब बात आती है सारंगी की तो सारंगी में भी आपको खान देखने को मिलेंगे कि भाई सारंगी तो राम खान वो हमने देखा था राम खान करके वो क्या था नाम था सॉरी राम खान बोलो पंडित राम नारायण ठीक है पंडित राम नारायण और जितने भी खान हैं पंडित राम नारायण अब राम जी सबरी के बेर खा रहे हैं तो सबरी खान बूंद बूंद करके खा रहे हैं बुंदू खान शाकूर शेख करके खा रहे हैं शाकू खान अब्दुल लतीफ़ खान सुल्तान खान ये सारे एसोसिएटेड हैं किससे और सुल्तान के घर में सुना है अटैक वटैक हो गया गोली वोली चल गई <laughs> फेमस म्यूजिशियन तलवीन सिंह इज़ एसोसिएटेड विद प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा तलवीन सिंह से ध्यान रखना एक चीज़ दिमाग में आई मेरे एंड दैट इज़ तनवी शाह जो तनवी शाह हैं शी इज़ दी फर्स्ट फीमेल टू गेट दी ग्रैमी ये पहली फ़ीमेल है इंडिया फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू गेट ग्रैमी टू गेट ग्रैमी ग्रैमी इनको मिला है ये पहली हमारी वो है ठीक है तो तलवीन सिंह की अगर बात करें तो तबला फ्लूट वीना या फिर सहनाई तो तलवीन सिंह हमारे बजाते हैं तबला ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ठीक है तबला तलवीन सिंह तबला टी से तलवीन सिंह टी से तबला असद अली खान अब नाम में अली है तो क्या आंसर होगा जरा बताइए नाम में अली है तो असद अली खान हमारे किससे एसोसिएटेड होंगे सितार रुद्रवीना वायलिन या फिर तबला लेकिन इसमें तो आपके वो तो है नहीं सारंगी तो है नहीं सितार से आपके एसोसिएटेड होंगे आपके आ, सितार से तो नहीं होंगे सितार से तो उसमें सारे हम लोग का एक्सपेरेंट पढ़ लेते हैं रुद्रवीना होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो रुद्रवीना में आप ऐड कर सकते हैं एक और नाम एंड दैट इज़ असद अली खान रुद्रवीना में हमने कौन कौन से एक्सपेरियंट पढ़े थे पढ़ा तो था रुद्रवीना में इनको नाम पढ़ा तो था असद अली खान का एक तो हमने सादिकली खान पढ़ा था मैंने हम ला... मैंने बताया तो था, था आपको कि एक तो अली आपको देखने को मिलेगा सरोद वाले में सरोद नहीं होगा तो देन आपको रुद्रवीना वाले में देखने को मिलेगा तो दो हमने पढ़े थे एक असद अली खान और एक सादिकली खान मैं फिर से रिपीट करता हूँ अली वाले खान जो है आपको सरोद में या रुद्रवीना सरोद या रुद्रवीना में देखने को मिलेंगे ठीक है अगला हमारा पंडित राम नारायण तो अभी देखा राम जी राम जी सबरी के बेर खा रहे हैं ठीक है सबरी खान बूंद बूंद करके खा रहे हैं बंदू खान तो वो ये सारे खान किस में हैं सारंगी में हैं आपके तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा अगेन रिपीट सरोद में अली वाले खान होंगे अमजद अली खान, अली अकबर खान हाफिज़ अली खान अलाउद्दीन खान ठीक है और राजीव तारानाथ जी होंगे जब बात करते हैं वीना की तो वीना कौन बजाते थे समुद्रगुप्त कौन बजाता था औरंगजेब और कौन हमारे प्रिय बजाते थे हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम जी घटम घटम सेठ विक्कू विनायक्रम या फिर टी एच विनायक्रम और ई एम सुब्रमण्यम सिर्फ दो ही हमने पढ़े हैं और किस तरह का वाद्य यंत्र है कौन से कैटेगरी में आप रखेंगे ये मुझे पता लग अब मुझे लगता है कि आप आराम से सारी चीज़ें समझिए हरा हरा शंकर भट्टाचार्य जी भट्टाचार्य मुखर्जी याद करो याद आ रहा आपको जो हमने पहला सबसे पढ़ा था बुद्धादित्य मुखर्जी कि भाई हमारे विलायत में कोई गया था और इमरती लेके आया था कौन गया था ये कौन गया था कौन गया था किसी को भी भेज दो एक तो शाहिद जी को भेजा था ना नो शाहिद तो शाहिद परवेज विलायत खान इमरान खान और किसके लिए किसके लिए भेजा था निखिल बनर्जी और मुखर्जी के लिए बनर्जी मुखर्जी और भट्टाचार्य के लिए तो निखिल बनर्जी बुद्धादित्य मुखर्जी और शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सितार नीरू स्वामी पिल्लई और राज तरनम पिल्लई तो ये जो दोनों हमारे पिल्लई हैं ये किससे एसोसिएटेड हैं किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से मृदंगम से मैंडोलिन से नागस नागस्वरम से या फिर आ, सारंगी से तो ध्यान रखिएगा जो गोविंद सॉरी नीरु स्वामी पिल्लई और राजतरम पिल्लई जितने भी पिल्लई तो यार हम लोगों ने वॉयिन से, से पढ़े थे लेकिन वायलिन तो इसमें है नहीं कोटा था को एक तो नीरु स्वामी पिल्लई का बताया था और वॉलिन नहीं है तो फिर यह मैंडोलिन होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बीस का सही आंसर होगा सारंगी तो होगा नहीं सारंगी नहीं होगा ठीक है मेरे हिसाब से इसका मैंडोलिन ही होगा ठीक है मैंडोलिन होना चाहिए इसका सारंगी नहीं होगा मृदंगम भी नहीं होगा ठीक है आ... मैंडोलिन सुर बाहर पड़े थे नहीं 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 मैंडोलिन भी नहीं होगा इसमें नाद स्वरम होना चाहिए ठीक है नाद स्वरम सारंगी और मृदंगम तो हो नहीं सकते हैं किसी भी हाल में ठीक है नाद स्वरम होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है नीरु स्वामी पिल्लई और राजतरनम पिल्लई ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा सर गोविंद स्वामी जो पिल्लई हैं गोविंद स्वामी पिल्लई ये आपके एसोसिएटेड हैं वॉलिन से है, ये मैंने आपको बताया था वॉयिन से लेकिन जो बाकी जो हमारे ये दो लोग हैं नीरु स्वामी पिल्लई और राजतरन्नम पिल्लई आई थिंक मैंने नादू शरम के एक्सपेरेंट आपको लिखवाए नहीं है ना तो ये आपके एसोसिएटेड हैं ध्यान रखना इसको नाद शरम करके ये लिख लेना दो नाम नीरु स्वामी पिल्लई और राजतरन्नम पिल्लई पंडित भजन साहब सोपोरी तो भाई भजन कौन सुन रहा था शिव जी के भजन कौन सुन रहा था शिव कुमार शर्मा शिव कुमार शर्मा शिव जी के भजन कौन सुन रहा था संतूर साबुन लगा के संतूर साबुन लगा के शिव जी के भजन सुने जा रहे थे भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा और तीसरे हमारे कौन थे तीसरे हमारे थे शिव कुमार शर्मा जी के बेटे राहुल शर्मा जी ठीक और एक और भी तो नाम मैंने आपको बताया था क्या नाम था यार वो एक तो इतने सारे नाम है कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ये हमने देखा था कि किस तरह से उल्लास मना रहे थे कौन जो इनके बेटे थे शिव कुमार शर्मा जी के बेटे राहुल शर्मा तो नाम हो जाएगा इनका उल्लास बापत ठीक है उल्लास बापत सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है टी एन राजत तरनम पिल्लई अब देख लिए फिर से यहाँ पे पिल्लई आ गया ठीक है तो ये वही वही देख लीजिए राजतरनम पिल्लई ठीक है तो राजतरनम पिल्लई किससे किससेड हो जाएंगे हमारे नादसरम ठीक तो नाथसरम में एक दो एक्सपेरेंट आप याद ये है, मतलब लिख लेना अलग से नीरूस्वामी पिल्लई और राज तरनम पिल्लई ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सहनाई आपको पता है सहनाई सहनाई से हमारे सबसे पहले तो कौन हो जाएंगे सहनाई से हमारे बिस्मिल्ला खान जी और जब बिस्मिल्ला खान जी सहनाई बजाते हैं तो लोग क्या करते हैं बल्ले बल्ले करके क्या करने लगते हैं प्रसन्न हो जाते हैं और बल्ले बल्ले करने लगते हैं तो रघुनाथ प्रसन्ना एस बल्लेश और कमर मटकाते हैं तो बागेश्वरी कमर और कृष्ण जी के भजन गाते हैं तो कृष्ण चौधरी ठीक है वो अमंग दी फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियंस इज द इन्वेंटर ऑफ मोहन वीना तो मोहन वीना एक अलग तरह का एक्सपोनेंट आपको देखने को मिलता है गिटार का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है गिटार भी इसी तरह से होता है ना लेकिन गिटार टिन 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 ठीक है तो वो एक यूथ वाला गिटार है ठीक है लेकिन जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनका गिटार आप इसको समझ सकते हैं मोहन वीणा है तो ये जो हमारे मोहन भट्ट जी हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीना मोहन इन्हीं के नाम पे है क्योंकि इन्होंने ही गिटार को जो है मॉडिफाई कर दिया था तो टिन 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 तो वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ही नहीं होता ये मतलब इन्होंने ये इस चीज़ को साबित करके दिखाया हमारे पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने कि वही सिर्फ ट्यून नहीं निकल सकती और बीट से ट्यून निकल सकती हैं और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डज़ एन राजम प्ले तो एन राजम हमारे कौन सा एक्सप किस चीज़ के एक्सपोनेंट हैं सितार वॉयिन संतूर या फिर गिटार एन राजम तो ये हमारे वॉयिन से एसोसिएटेड हैं तो ऑप्शन नंबर बी ये मैंने आपको बताया भी था ठीक है वॉयन अगेन समुद्रूप औरंगजेब ए पी अब्दुल कलाम और एन राजम अल, अकबर अली खान उस्ताद अकबर अली खान अगेन क्या होगा उस्ताद अकबर अली खान तो ये मैंने आपको क्या बताया था सरोद होंगे ना इसके तो अकबर अली 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 वाले हैं ना तो सरोद होंगे फिर सारे अली वाले हैं ठीक है तो अली वाले खान हैं तो एक तो हमने देखा था कि खान जितने में भी आपको दिखेंगे या तो सरोद से होंगे या तो सरंगी से होंगे ठीक है और अली वाले जितने खान हैं या तो सरोद से होंगे या रुद्रवीना से होंगे अगर असद अली खान नहीं है अगर असद अली खान नहीं है और अली खान नहीं है तो जितने भी अली वाले हैं वो सारे सरोद में जाएंगे आपके अगला हमारा आर के बीजापुरे आर के बीजापुरे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे हारमोनियम बजाते थे हारमोनियम तो कौन बजाते थे याद आ रहा आपको कुछ हैं? कुछ आप लोगों को याद आ रहा है हारमोनियम अब्बा हारमोनियम बजाते हैं ठीक है तो हारमोनियम नहीं बजाते हैं ठीक है तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं मतलब ये हारमोनियम ही बजाते हैं आपके आर के बीजापुर ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा तबला के हम एक्सपेरेंट पढ़ चुके हैं ये रावण रावनाथ आपको नहीं पढ़ना है सितार तबला और सितार में तो हमने नाम देखा नहीं आर के बीजापुरा जी का तो बचिए आपका हारमोनियम तो हारमोनियम ही बजाते थे हमारे आर के बीजापुरा जी ठीक है अरविंद पारिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमने देखा था अरविंद जी हमारे एसोसिएटेड है सितार से ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा द नेम ऑफ उस्ताद विलायत खान इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है विलायत खान तो इम विलायत में जाके के फ़ॉरन में जाके के इमरती ले कौन आ रहा था हमारे शाहिद परवेज़ जी लेके आ रहे थे है ना तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे चलो भाई तो हाँ बजाते नहीं थे खाते थे चलो वही तो अगला है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज टू प्ले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे गिटार सरोद वीना या फिर पियानो तो अब्दुल कलाम जी बजाते थे वीना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अगला है आर वी राघवन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आर वी राघवन जी हमारे किससे एसोसिएटेड हैं ऑप्शन है आपके Uh, मृदंगम फ्लूट सितार या फिर सरोद और भाई में <laughs> कुछ भी लिखते हो मतलब तो कोई नहीं ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ठीक है मृदंगम मृदंगम से हमारे आरवी राघवन जी ठीक है अगला तोता राम शर्मा जी तो तोता के क्या होते हैं पंख होते हैं तो पंख होते हैं तो पखवाच हो जाएगा द म्यूजिशियन शिव मणि शिव मणि जी हमने एक ही दो एक्सपोनेंट देखे थे जिसमें ड्रम में देखा था ठीक है तो शिव मणि जी का नाम देखा था और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और भाई यहाँ पे मतलब किसी की आ, मैं कास्ट का मजाक नहीं उड़ाया था ठीक है अगर किसी को बुरा लगा हो तो ठीक है मैंने वो सिर्फ याद करने के लिए वो सिर्फ चीज़ बताई थी होमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रोमेंट सुरबहार तो सुरबहार से कौन एसोसिएटेड है तो हमने देखा था सबसे फेमस एक्सपोरेंट हमारी अन्नपूर्णा देवी जी सबसे लास्ट में अगर आपको याद आ रहा है शिव कुमार शर्मा तो हमारे संतूर से एसोसिएटेड हैं ठीक है थीके? भजन सापोरी भी संतूर से एसोसिएटेड है तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे इसको और वैसे भी हम लोगों ने देखा था अन्नपूर्णा देवी इमरात खान वहीद खान इमदाद खान जितने भी खान टाइप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सुरबहार में भी ठीक है ट्वेंटी वन में आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में लगाना है उस्ताद अल्लाह रखा ये हमारे लास्ट के अब दस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आप ये मान लीजिए ठीक है लास्ट के दस क्वेश्चन उस्ताद अल्लाह रखा तोताराम शर्मा टी एच विनायक्रम अल्लाह रखा तबला तोताराम शर्मा पखवाज टी एच विक्कू विनायक्रम घटम तो तबला पखवाज घटम ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा तानसेन हु वॉज इंक्लूडेड इन दी नवरत ऑफ अकबर वॉज एन एक्सपोनेंट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नगाड़ा वीना सारंगी या फिर रबाब तो क्या सही आंसर होगा सही आंसर होगा इसका आपका रबाब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा ठीक है सर मुझे स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है प्लीज़ बैच बता दो स्टार्टिंग से हो जिसमें प्लीज़ नेहा जी एसएससी जीके बैच 2.0 है स्टार्टिंग से ही उसमें सारी चीज़ें फेमस म्यूजिशियन फ़याज़ खान इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रोमेंट सेहनाई वीना तबला या फिर सितार तो फ़याज़ खान की अगर बात करें तो किससे एसोसिएटेड है आपके ये फयाज़ खान तो वीना से तो होंगे नहीं आपके ठीक है वीना से नहीं है और हम लोगों ने तबला में पढ़ा था ना नाम इनका तबला होगा आपका ऑप्शन ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा तबला ठीक एक सेकेंड एक सेकेंड याद करने दो उसमें सितार में तो थे नहीं है ठीक है सितार में तो हमारे अनुष्का शंकर खान इमरात खान थे फयाज़ खान तो थे नहीं और विलायत खान थे ठीक है और सितार में नहीं थे तबला में ही थे आई थिंक सहनाई में एक सेकेंड सेनाई में भी हमारे बिस्मिल्ला खान थे खान उसमें तो और कोई था नहीं है ना तो ये भी नहीं होगा वीनम भी नहीं था तबला ही होगा आपका खान से ठीक है फयाज खान तबला अगला हमारे ट्वेंटी फोर्थ सेलेक्ट द इंडियन म्यूजिशियन हु इज़ एसोसिएटेड विद दर्कीशन इंस्ट्रूमेंट पर्कशन इंस्ट्रूमेंट से कौन एसोसिएटेड है पोकीशन से पंडित रविशंकर सितार इट इज़ नॉट अ पोर्शन इंस्ट्रूमेंट ठीक है पंडित विश्व भट्ट की अगर अभी बात करें तो पंडित विश्व भट्ट भी हमारे मोहन वीना बजाते तो मोहन वीना क्या है वही गिटार का एक्सटेंडेड फॉर्म है उसमें भी आपको स्ट्रिंग्स देखने को मिलती हैं पंडित अयोध्या प्रसाद होंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा पंडित अयोध्या प्रसाद ये आपका बजाते हैं पखवाज ठीक है जो आपका पखवाज होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं आपके अयोध्या प्रसाद जी तो ये आपके पोकेशन इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड होंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अगला हमारा बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्ला खान तो आप जानते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्राइक नहीं करना पड़ता है जो हमारे बिस्मिल्ला खान जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं दैट इज सहनाई तो उसमें कुछ स्ट्राइक नहीं करना पड़ता है नंदनी और रागिनी शंकर मैंने आपको बताया था कि अनुष्का शंकर जो पंडित रविशंकर जी की बेटी हैं वो तो आपके सितार से हैं लेकिन नंदिनी शंकर और रागिनी शंकर हैं ये वॉयलिन से एसोसिएटेड हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा सी सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है जो आप, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था एन राजम एन राजम जो हैं जो वीना एसोसिएटेड थी उन्हीं की ये ग्रैंड डॉटर्स हैं नंदिनी और आगनी शंकर जी विच द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स सॉलिड मतलब घन घन ठीक है ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द सहनाई इज अ रीड इंस्ट्रूमेंट विद हाउ मेनी होल्स सहनाई में कितने होल्स होते हैं कितने छेद होते हैं तो मैंने अभी आपको दिखाया था सहनाई में टोटल सात छेद हो, होते हैं सेवन होल्स होते हैं अगला है वॉट इज यंत्र तत्क को ही हम तं तन, तंतुवाद्य यंत्र बोलते हैं ये एक तरह का स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्शन नंबर बी ये आपका घन वाद्य यंत्र होता है ये आपका एयरोफोन होता है दैट इज़ ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र होता है और आपका प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको कि स्ट्राइक करके बजाना पड़ता है ठीक है फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स कम अंडर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी तो फ्लूट वाले जो होते हैं बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र है वो किस में आएंगे तो फ्लूट में जैसे हमें एयर डालनी पड़ती है तो सुशीर वाद्य यंत्र होंगे आपके ठीक है अवनिध वाद्य में क्या आएंगे आपके जैसे तब आपका तबला हो गया ठीक है पखवाज हो गया आपका ठीक है तबला हो गया पखवाज हो गया ड्रम हो गया ये सब यंत्र में आएंगे जहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है तो मेम्ब्रेनोफोन हो होते ही है बिक्रम घोष बिक्रम घोष निखिल घोष याद है ना है आपको चीज़ वो हमने घोष किस में पढ़े थे तबला में पढ़े थे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक आगे बढ़ें ठीक है तो विक्रम घोष पढ़ा था निखिल घोष हमने लोगों ने पढ़ा था लेकिन अगर नाम पूछ लेगा पन्ना लाल घोष तो पान हमने देखा था चौरसिया ऐसे करके ना तो पन्ना लाल घोष अगर पूछ लेगा तो वो हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जो बजाते थे दैट इज़ फ्लूट ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अब आई थिंक आगे के आप कर सकते हैं यूके के शिव रमन जरा बताइए किससे एसोसिएटेड होंगे आपके मृदंगम वॉयलिन तबला या फिर वीना इतना तो अब आप तबला को एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है मृदंगम के हमने क्या क्या एक्सपरेंट पढ़े थे मृदंगम के अगर आपको याद हो मृदंगम में हमने मृदंग तो मृतम बताया था ना आपको एक तो यू वी के शिवरमन और यू के शिवरमन तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है राजीव तारानाथ सिंपल अब जितने भी हैं वो सारे आप आराम से कर सकते हैं आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गोपाल बंदोपाध्याय भी पढ़ चुके हैं आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बंदो तबला या तो ड्रम होगा ठीक है सारे पढ़ चुके हैं उस सबरी खान सबरी कौन खाता है भाई सबरी सबरी किस तरह से याद किए थे राम पंडित राम नारायण क्या होगा आपका यहाँ पे सारंग Uh, सरोद हो जाएगा सॉरी सरोद तो अली वाले थे ना सरोद तो अली वाले थे सारंगी हो जाएगा इसमें आपका ठीक है सहनाई प्लेयर कौन है हमारे सहनाई प्लेयर फेमस uh, बागेश्वरी कमर जी हो जाएंगी बागेश्वरी कमर ठीक है तो ये सारे आप कर सकते हैं ज़्यादा है क्या ज़्यादा नहीं है ठीक है छियालीस तक और सारे कर चुके हैं मंगल वाद्य किसको बोलेंगे सहनाई को बोलेंगे सारे तो कर चुके हैं परिशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें परकिशन इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाते हो भाई है हाँ? नॉट है तो घटम भी होगा तबला भी होगा हाँ आपका सरो सरो होगा आपका मृदंगम जो होगा ठीक है मृदंगम ये नहीं होगा ठीक है यहाँ पे अगर बात करें नायडू जी द्वा ये जरा बताइए आई थिंक नहीं किया ना नायडू वाला या फिर किया है नायडू वाला भी किया है आई थिंक बताओ जरा नायडू ये कौन सा मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तो मैंने आपको बताया था जितने भी आपको साउथ इंडिया के नाम दिख जाएंगे जैसे कि मुरलीधरन अय्यर नायडू ये सब के एसोसिएटेड हो जाएंगे आपके वॉयलिन से एसोसिएटेड हो जाएंगे जो लास्ट मैंने आपको बता बताया था ठीक है तो सारे हम लोग कर चुके हैं घटम क्या है सारे कर चुके हैं कोई इस तरह का नया क्वेश्चन नहीं है ठीक है सबरी सब्रियोई आपका सारंगी हो जाएगा सहनाई आपके बागेश्वरी कमर हो जाएंगी निखिल ज्योति निखिल घोष और आपका विक्रम घोष तबला हो जाएंगे ठीक है सुर बहार से कौन एसोसिएटेड है तो सुर बहार से भी आपको लास्ट ने बता दिए थे एक तो अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी इमराद खान वहीद खान और इमदाद खान तो आपके कौन हो जाएंगे करीम खान नहीं होंगे ध्यान रखना जो अब्दुल करीम खान है ये कैराना घराना जो है उसके फाउंडर है यूपी का जो कैराना घराना ध्यान रखना उसके फाउंडर है अब्दुल करीम खान और इनके भाई अब्दुल वहीद खान वहीद खान और करीम खान तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आ, आ, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका इमरात खान उस्ताद इमरात खान आंसर हो जाएगा ठीक है विक्कू विनायक्रम घटम हो जाएगा ठीक है जिनको टीएच एच विनायक्रम के नाम से जानते हैं लाल गो, गोपाल लाल गुड़ी गोपाल अय्यर लाल गुड़ी गोपाल अय्यर वायलिन हो जाएगा आपका गोपाल अय्यर हो गए मुरलीधरन हो गए ठीक है और टी एन कृष्णा हो गए नायडू हो गए ये सारे ठीक है स्वपन चौधरी सपने में आ रहे थे अल्लाह को अल्लाह सपने में आ रहे थे अनोखे लाल अनोखा सपना आ रहा था ठीक है तो क्या आंसर हो जाएगा तबला ठीक है इनकरेक्ट आपको मैच कराना ये सब सारे कर सकते हैं आप ठीक है ज़िया मोहनुद्दीन डागर भी देखे थे अगर आपको याद आ रहा हो तो नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं रुद्रवीना में देखे थे ठीक है बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट हैं अब इनमें से ही कोई ना कोई होगा अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ज़रा बताइए इनमें से कौन होगा अच्छा सेक्सोफोन क्या होता है तो <laughs> सेक्सोफोन करके भी आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी वॉइस सुनिएगा एकदम जैसा नाम है वैसा ही टाइप है एकदम सेक्सोफोन टाइप मतलब गोल्डन टाइप का कलर होता है काफ़ी बड़ा सा होता है लेकिन इससे आवाज़ निकलती है ना वो काफ़ी मतलब वैसी टाइप जैसा नाम है <laughs> तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये आपके वोकलिस्ट थे हमारे पंडित कुमार गंधर्व जी वोकलिस्ट मतलब गाते थे ठीक है तो ये आपके गिटार से एसोसिएटेड नहीं थे राइट right. चलिए तो आज का लेक्चर होता है हमारे यहाँ पे ख़त्म बाकी तो आई थिंक क्वेश्चन तो अब बचा नहीं है सारे क्वेश्चन तो ही लिए का दुक्का आप कर ही सकते हो है ना चलो तो मिलते हैं कल सर वो लिपिका सेक्शन फोन वाला चला दो हाँ चला दो पिछली बार चलाया था ना लिपिका क्या नाम था उनका है ना लिपिका पिछली बार मुझे चलाया था तभी तो लोग लगता है देखिये लिपिका समानता नाम है उनका अच्छा समानता इरविन को जानते हो <laughs> तो लिपिका समानता जो है वो बजाती हैं सैक्सोफोन लिपिका देख लेना भाई है ना लिपिका सामानता इसलिए नहीं बजाय पिछली बार बजाए थे तो कॉपी स्ट्राइक स्ट्राइक डाल दिया था लिपिका जी ने गुस्सा हो गई थी <laughs> तो इसे नहीं डाल रहे नहीं फालतू तो में होता क्या ना कि ज़्यादा कॉपी स्ट्राइक आती रहती हैं तो फिर कभी भी एक कॉपी राइट स्ट्राइक आती तो यूट्यूब छिड़ के फिर डिलीट मतलब डिलीट मार देता क्योंकि मैंने काफ़ी बार पिछ पहले भी आपको मतलब इस तरह के वीडियो में चला देता हूँ ठीक है तो वो स्ट्राइक आ जाता है लेकिन एक दो स्ट्राइक तो मैं झेल लेता हूँ मोनेटाइजेशन बंद करोगे कर देना नेला है। घराने भी मैं लास्ट में तो समराइज़ कर भी के मस्त पढ़ाते हो सर धन्यवाद खेलकर जी हाउ टू स्टडी डिफिकल्ट टू नेम्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो है लेकिन बार बार रेपिटेशन से आपको याद करना होगा मैंने कोशिश तो करी कि भाई जितना आपको यहाँ पे क्लास पे याद हो सके ठीक है ये है कि अगर मैंने आपको सौ चीज़ें पढ़ाई हैं मान लो क्लास में तो ये तो पक्का है कि भाई अगर आपने फोकस के साथ लेक्चर देखा है अगर आप तुरंत अभी विद इन जैसे कि सोने से पहले अगर आप एक बार रिविजन कर लोगे तो सिक्सटी परसेंट एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट अभी आपके दिमाग में चली अंदर घुस जाएंगी क्योंकि जो हमारा सबसे पहला जो मेमोरी का डिग्रेडेशन होता है जो चीज़ें जाती हैं वो एटली ट्वेंटी फोर आवर्स में जाती हैं आपको पता होगा है ना तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको एक रिवीजन कर लेना है मैं तो एडवाइस करूँगा कि सोने से पहले कर लीजिएगा तो सोने में भी हमारी मेमोरी फॉर्मेशन होता है न्यूरॉन फॉर्मेशन होता है तो उससे हेल्प मिलेगी आपको कि एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट टू सेवेंटी परसेंट कितने फोकस के साथ लेक्चर आप देख रहे थे उस पर भी डिपेंड करता है तो वो आपका वहाँ पर याद हो जाएगा ठीक है बाकी जिन लोगों को बैच वैच में एनरोल करना है एस एस बैच जी टू है एक ही बैच है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है कि कौन सा बैच लें बाकी ये क्वेरी नंबर है ठीक है चलिए भाई थैंक यू सभी को बाकी मिलते हैं Cal. Thank you. Ser Messi, Ronaldo. <laughs> Pele. <laughs>